सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है, और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस, मुझे रोज़ इतना प्यार अपने कमेंट के थ्रू देने के लिए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ के बहुत खुश होती हूँ, रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर आपके एक एक कमेंट और लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को किसी ने फेक हिट की मेडिसिन दे दी थी, जिसके कारण उसके बच्चे पे भी खतरा आ गया था, और विंग जब बाद में होश में आता है तो अब वो उस चीज़ से काफ़ी नाराज़ है। अब आगे विंग वापस अपने रूम में आता है तो देखता है वांग जी वहाँ आराम से सो रहा है। विंग अब वांग जी के पास लेट जाता है, लेकिन वो आज रात बिल्कुल भी सो नहीं पाता। जहाँ वांग जी को विंग के साथ विंग के स्मेल में इसके और उसके पास होने से बहुत कंफर्टेबल फील होता है, और उसकी नींद बहुत गहरी हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक सो नहीं पाया था। लेकिन विंग के साथ ऐसा नहीं होता। आज के दिन पूरा दिन विंग अपने कक्ष में ही रहता है। पहले उसकी फेक मतलब हीट की वजह से वो रात भर ये सब करता रहा, फिर पूरा दिन उसे रेस्ट लिया, तो ऑलमोस्ट शाम का समय ही था जब विंग को ठीक से होश आया था और ठीक से उसका माइंड सेट वर्क करने लगा था। तो वो अधिकतर आज पूरे दिन में ही रहा, रूम में ही रहा, तो लोग नहीं जानते विंग के साथ क्या हुआ था। लेकिन विंग आज जो कुछ उसके साथ हुआ है उस चीज़ को याद करके अपने मन में बहुत गुस्सा कर रहा है। वो बहुत प्यार से अपने टमी पे हाथ रखता है और मन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, ये यहाँ के लोगों को नहीं पता। इनमें से कोई नहीं जानता कि मैंने अपना कल्टीवेशन वर्ल्ड, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस चीज़ हो, तुम्हें बर्थ देना मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट होगा, और किसी ने तुम्हें हार्म पहुँचाने की कोशिश करी है। उन्होंने अभी मेरा असली रूप देखा ही नहीं। जिसने तुम्हें हार्म पहुँचाने की कोशिश की है उसके साथ तुम्हारी मदर क्या करेगी, तुम बस देखते रहना। तुम्हें टच करके, तुम पर बुरी नज़र रख के या तुम्हारी जान खतरे में डाल के उस इंसान ने अपनी मौत को दावत दे दी है। विंग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में और बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेन में ये बात कह रहा है। सचमुच में उसने इस बेबी की वजह से अपने घर वापस जाने के सारे सपने तोड़ दिए हैं। अब वो कभी भी अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं जा सकता, और यहाँ अब इस किसी को सच भी नहीं बता सकता। पूरी लाइफ एक दूसरे की मतलब एक दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी लेकर वो जीने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। वो कैसे उस बच्चे पे हाँ माने दे सकता है। मिंग्याओ और शुशे ने शायद विंग पुराना विंग है, वीक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा यही सोच के ये काम कर दिया, लेकिन ये विंग को जगा दिया। इस विंग को जो एक ऐसा खूंखार शेर है जो अपने सामने अच्छे से अच्छे लोगों को पसीना दिला देता है, आज विंग ने मन में ठान ली है कि अब वो प्रॉपर अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रहेगा। अब वो बिल्कुल भी अपने आप को दबाने और शांत होने की कोशिश नहीं करेगा। वो अब अपने असली रूप में सबके सामने आएगा। इन शॉर्ट कल सुबह विंग उन लोगों से खुद जाके मिलेगा जिसने उसके साथ ये सब करने की कोशिश की है, उसके बच्चे को हार्म पहुँचाने की कोशिश की है। विंग यही सारी बातें सोच के अब सो जाता है। शायद वो थक जाता है और थोड़ा सा उस पर अभी भी मेडिसिन का असर है, इसलिए शायद उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन घंटों तक वरना उसे नींद आई नहीं थी। अपने बच्चे को रिस्क में सोच के उसके शरीर के साथ क्या हो जाता वो सोच के विंग अब मॉर्निंग में शायद काफ़ी लेट तक सोता रहता। वहीं वांग जी जैसे ही उठता है तो विंग को अपनी बाहों में इतने आराम से सोता देख के उसका मन उसे बिल्कुल भी उठाने का नहीं करता। वो बहुत प्यार से विंग के माथे पे किस करके खुद अच्छे से रेडी होके मॉर्निंग कोर्ट चला जाता है। विंग के नए खुद हायर करे हुए सर्वेंट यानी शाओ शिनशन के साथ विंग का ध्यान रखने को बोल के वो सॉन्गलैन को भी बताता है कि उसे अब विंग को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ना, और विंग के होश मतलब जैसे ही वो जगे तो उस तक इन्फॉर्मेशन देनी है। वहीं सॉन्गलैन भी इस बात पे अग्री होता है क्योंकि सॉन्गलैन भी कल विंग को लेकर डर गया था। विंग एक तरीके से उसका दूर का कज़न, उसका बचपन का दोस्त है, तो विंग के लिए कल वो भी वरी था, इसलिए वो खुद भी अब विंग को अकेले छोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं चाहता। ये सब लोग अब विंग के होश में या ये कहते हैं जगने का वेट करते हैं। विंग जब मॉर्निंग में उठता है तो ये मॉर्निंग में ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट आफ्टरनून का टाइम हो गया था। ऑब्वियसली वो रात भर सोचता रहा तो काफ़ी लेट सोया था, तो उससे उठा ही नहीं गया। मीन जब मॉर्निंग में उठता है तो देखता है साओ शिनशेन और सोंगलेन उसी के जगने का वेट कर रहे थे। साओ शिनशेन विंग के उठते ही उसे अच्छे से फ्रेश होने में और तैयार होने में मदद करता है, और बाद में उसके लिए उसे अच्छे से उसका ब्रेकफास्ट प्लस लंच यानी ब्रंच करवाता है। वहीं विंग जैसे ही खाना खाता है वो सबसे पहले सोंगलेन को और बोलता है कि उसे तुरंत हराम में जाना है। वहीं सोंगलेन यही सोच के कि शायद विंग अपनी क्लासेस की वजह से ये कह रहा है, वो तुरंत ये बात लान फॉरन तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलता है। लेकिन आज विंग किसी के लिए स्पेशली जा रहा है, इसलिए वो लान फॉरन को बिना इन्फॉर्म करे ही हरम जाने की बात कहता है। वहीं सोंगलेन विंग कितना ज़िद्दी है इस बात को अच्छे से जानता है, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाता। आज विंग के एक एक कदम जो हरम की तरफ उठ रहे हैं उसके अंदर का गुस्सा भी उसी लेवल पर उठ रहा है। सोंगलेन से रास्ते में विंग ने पूछा था क्या उसे पता चला ये काम किसने किया। सोंगलेन ने इतने यही बताया कि हाँ ये बात उसी समय हुई है जब उन्होंने एक साथ सारे कॉन्क्यूपेंस के साथ टी पी थी, लेकिन हाँ एग्जैक्टली किसने किया है ये बात अभी किसी के सामने नहीं आई है। पर विंग जो शायद बहुत पहले से बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो जानता है ये काम किसने किया है। आज विंग के अंदर इतनी गुस्सा है कि आज उसे ना ही किसी के रूल्स के बारे में सोचना है और ना ही किसी को एक दोबारा मौका देना है कि वो उसके बच्चे तक नुकसान यानी उस बच्चे को दोबारा हार्म कर सके। इसलिए वो गुस्से में आज सीधा हरम में मिंग्याओ के रूम में पहुंच जाता है। वहीं मिंग्याओ बड़े आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अधिकतर उसे किस तरह से लोगों को पैसा खिला के अपना काम करना है। वो आराम से बैठा हुआ था जब अचानक से उसके रूम का डोर खुलता है और वो शॉक में खड़ा हो जाता है। आज मिंग्याओ के साथ शूशे भी था, शायद वो डरा हुआ था क्योंकि वो मिंग्याओ की तरह बहुत बड़े क्लैन से नहीं आता। उसे डर है कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं उसके क्लैन उसके की बर्बादी का कारण ना बन जाए, इसलिए वो मिंग्याओ से घबराते हुए ही मिल रहा था। जैसे ही विंग इस रूम में घुसता है मिंग्याओ और शूशे को एक साथ देखे उसके अब अपने शक पे ऐसे ऑलमोस्ट यकीन हो गया, उसे रियलाइज होता है, इसलिए वो अब रूम के अंदर जाता है। वहीं तुरंत वो लोग उस विंग को देख के स्ट्रेट खड़े हैं। विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है रॉयल गार्ड सोंगलेन, क्या आपको अच्छे से पता है कि जब कोई रॉयल ओमेगा किसी कॉन्क्यूपाइन से मिलने आता है तो कॉन्क्यूपाइन को उसे किस तरह से ग्रीट करना चाहिए। इस बात पे सोंगलेन तुरंत बोलता है उसे सर झुका के बो करके उनका वेलकम करना चाहिए। आपको नहीं लगता क्या इन दोनों को इस बात की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? मैं आपसे मिलने आया हूँ कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, पर आपने मुझे ढंग से वेलकम या बो क्यों नहीं किया? इस बात पे मिंग्याओ थोड़ा दांत पीसते हुए कहते हैं क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम किंग के मेट बन गए तो तुम्हें वो रिस्पेक्ट मिलेगी? भूलो मत विभूषण, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे क्लैन को भी कोई ज़्यादा पावर नहीं है और मुझे तुम्हें बो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं शूशे थोड़ा सा घबराया हुआ तो है लेकिन वो शांत खड़ा हुआ है। वहीं विंग जैसे ही ये बात सुनता है तो गुस्से में बिल्कुल मिंग्याओ के आगे आता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए क्योंकि तुम अभी अच्छे से मुझे जानते नहीं हो। अभी के अभी सर झुका के मुझे प्रॉपर बो करो। इस बात पे अचानक से अब मिंग्याओ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है नहीं करूँगा तो क्या करोगे तुम? इस बात पे विंग अब थोड़ा सा कनिंग से स्माइल लेता है और अपने गुस्से वाले फेरोमोन्स इस रूम में रिलीज करने लगता है। विंग एक प्योर ब्लड ओमेगा है और उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अब तक अपने फेरोमोन्स को बहुत कंट्रोल कर रहा था ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो एक प्योर ब्लड ओमेगा है, लेकिन आज विंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा आज पनिश करना चाहता है क्योंकि उसके बच्चे के ऊपर मिंग्याओ ने अटैक किया है, इसलिए विंग अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। उसके फेरोमोन्स की वजह से पीछे खड़ा शूशे भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, यहाँ तक कि सोंगलेन के लिए भी इस समय यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए सोंगलेन तुरंत उस रूम से बाहर चला जाता है। वो विंग को अच्छे से जानता है, उसके फेरोमोन्स को बहुत अच्छे से जानता है। वो ये भी जानता है कि अभी विंग अपने प्रॉपर एक रौद्र रूप में है, उसके बच्चे को हार्म किया है। एक माँ किस लेवल तक अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो सकती है वो सोंगलेन जानता है, इसलिए वो शांति से अपनी जान बचा के बाहर खड़ा है क्योंकि उसे पता है विंग खुद बहुत स्ट्रांग है। किसी ने उसे ट्रक दिया
क्योंकि उसके साथ धोखा किया। वनास, अगर कोई फेस टू फेस रिंग को हार्म करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, ये भी सॉन्गलैंड को पता है। मीनिंग, अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने हार्मोन्स से अब शुशे की हालत और मिंग्याओ की हालत ऑलमोस्ट बुरी हो गई है। वहीं शुशे अपनी जान बचाने के लिए ऑलमोस्ट घुटनों पर बैठ गए और मतलब रिंग से ये तुम क्या करो, रोको इसे, ऐसे करके रिक्वेस्ट करने लगे। वहीं मिंग्याओ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी भी हालत बुरी हो गई। वो तुरंत अपने घुटनों पर आ गया और अपना सर नीचे की तरफ झुका रहा है। उसके अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बार बार अपने चेस्ट पे हाथ रख के और खुद सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वहीं विंग बोलता है, ये हुई ना बात, ये है तुम्हारी औकात, तुमने जो किया है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता, तुमने कल जान पूछ के मेरी टी में फेक मेडिसिन मिलाई थी और इस बात से मुझे यकीन हो गया है कि मेरे साथ आज से 3 साल पहले भी जो हरकत की थी वो तुमने ही की थी। अभी के अभी सबके सामने जाओ और माफ़ी मांगो अपनी करे हुई गलती के लिए। मेरे से सर झुका के सारे लैन क्लैन के सामने माफ़ी मांगो। इस क्लैन के फ्यूचर हायर को नुकसान पहुंचाने के लिए पनिशमेंट मांगो। विंग बहुत गुस्से में मिंग्याओ से ये बोल रहा है। वहीं मिंग्याओ अब थोड़ा गुस्से में बहुत स्ट्रगल से उठता है। अब बोलता है, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से तुम मुझे अपने फेरमोन्स के कंट्रोल से ये करने पे मजबूर कर दोगे। इस बात पे विंग और ज़्यादा कनिंग स्माइल से अब मिंग्याओ की तरफ देखता है और गुस्से में उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है, जिसे मिंग्याओ अब धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाता है। ये थप्पड़ इतने ज़ोरदार था और इतना पावरफुल था कि मिंग्याओ के मुंह से भी खून आ जाता है और उसके कान में एक अजीब सी सेंसेशन, जिससे उसे एक कान से शायद कई दिनों तक अब आवाज़ नहीं आने वाली। अब मिंग्याओ गुस्से में विंग की तरफ देखता है, ये तुमने क्या किया। मिंग्याओ अभी भी सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक जिद्दी बच्चे की तरह विंग के सामने झुकने से इनकार कर रहा है। वहीं विंग तो विंग है, उसने अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, लेकिन मिंग्याओ जब उससे बोलता है ये तुमने क्या किया, तो विंग गुस्से में उसे इतनी जोर से लात मारता है कि मिंग्याओ अपने फ्लोर से दूर जाके दीवार से टकराता है। और अब तो उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, ऑलमोस्ट अब उसे हीलर की ज़रूरत है। वहीं शुशे अपनी जान बचा के थोड़ी देर पहले ही इस रूम से बाहर भाग गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग उसे मार देगा। विंग के ये फेरमोन्स, ये थप्पड़ और लात इतना मिंग्याओ को बुरी हालत कर देते हैं कि मिंग्याओ तुरंत बेहोश हो जाता है। वहीं शुशे वहाँ से बाहर निकल के लैंड फॉर्म करता हुआ अपनी जान बचाता हुआ नी हुसैन की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि लैंडफॉर्म उसकी जान बचा लेंगे। वहीं विंग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहीं वो आज मिंग्याओ को मार ही ना दे, यही सोच के अब सॉन्गलैंड रूम में आके विंग को शांत करवाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, विंग शांत हो जाओ, विंग ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को हार्म पहुँचे, अपने फेरमोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो विंग, प्लीज़ विंग थोड़ा शांत हो जाओ। वहाँ बेचारा सॉन्गलैंड कोशिश कर रहा है कि विंग को शांत कर दे, क्योंकि विंग जिस रूप में है वो पक्का आज मिंग्याओ को मार ही ना दे। और सॉन्गलैंड अच्छे से जानता है अगर विंग ने मिंग्याओ को मार दिया तो क्या हो सकता है, इसलिए वो विंग को थोड़ा शांत करने लगता है। वहीं विंग अब सॉन्गलैंड की तरफ गुस्से में देखे वहाँ से गुस्से में निकल जाता है वापस जिनशी के लिए। सॉन्गलैंड भी अब विंग के पीछे पीछे जा रहे हैं। थोड़ी देर में जब लैंड फॉरन यानी हमारे नी हुसैन मिंग्याओ के रूम में पहुँचते हैं तो रूम की हालत देख कर शौक है। विंग के फेरमोन्स वैसे अब यहाँ से थोड़े कम हो गए, लेकिन जितने भी हैं वो नी हुसैन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नी हुसैन खुद भी काफ़ी वीक फील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग यानी वो लैंड फॉरन है तो उसका काम है हर कॉन्क्यूपाइन का ध्यान रखना, इसलिए वो तुरंत मिंग्याओ के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। वो फ्लोर पर पड़ा हुआ है, नाक मुंह और कानों से खून निकल रहे हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे विंग के दिए हुए उस थप्पड़ की वजह के भी निशान हैं। उसकी पांचों उंगली पूरी तरह से मिंग्याओ के चेहरे पे साफ साफ विजिबल हो रही है। मिंग्याओ को इस हालत में देख के हमारी लैंड फॉरन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे पता, शुशे ने बताया था कि किस तरीके से विंग उनके रूम में आके उनसे पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसे भी आइडिया नहीं था कि विंग इतना स्ट्रांग हो सकता है, वो इस तरीके से मिंग्याओ को पनिश कर सकता है।
वैसे तो खुद नी हुसैन मिंग्याओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ वो एक लैंड फॉरेन है और इस तरीके से कॉन्क्यूपाइन एक दूसरे को पीटेंगी तो उसके लिए भी मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए वो अब तुरंत मिंग्याओ को हीलर के पास ले जाने के लिए आदेश देता है। वहीं मिंग्याओ को हीलर चेक करता है और बताता है कि किसी स्ट्रॉन्ग ओमेगा से ये टकरा गया है, उनके फेरमोन्स के कारण ही इनकी ये हालत हो गई है। और इतना ही नहीं, जो जोर से विंग ने मिंग्याओ के पेट में दांत मारी थी उसके कारण अब मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसलिए वो विंग थोड़ा सा मिंग्याओ को हर्बल मेडिसिन देता है ताकि उसका पेन कम हो सके। वहीं मिंग्याओ जैसे ही होश में आया था तो उसने रोना गाना और ज़्यादा नाटक करना शुरू कर दिया था। अब वो नी हुसैन के सामने नाटक कर रहा है, अब बोल रहा है कि वी वुशान को पनिशमेंट देने चाहिए, उसने इस तरीके से उस पर अटैक किया कि इस तरीके से वो मतलब मिंग्याओ को बिना बात के पीट रहा है, तो क्या वी वुशान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? वहीं लैंड फॉरेन यानी हमारे नी हुसैन तो इस बात पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जब ये बात सब लोगों को आपस में पता चलती है कि इस तरीके से मिंग्याओ को हीलर ने किया, तो हीलर के रूम में बहुत सारे लैंड सीनियर्स भी आ जाते हैं। जब वो लैंड सीनियर मिंग्याओ के रोने गाने को सुनते हैं तो तुरंत मतलब एक तरीके से एक मीटिंग करने की बात करते हैं। वो जबरदस्ती लैंड फॉरेन यानी नी हुसैन को फोर्स कर रहे हैं कि वो अभी के अभी विंग वुशान को पनिशमेंट दे। वहीं नी हुसैन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, पर वो भी इस तरीके से इन प्रॉब्लम में या ये कह दीजिए अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है। वो लैंड सीनियर्स नी हुसैन और मिंग्याओ तीनों वी वुशान को स्पेशली एक रूम में बुलाते हैं। वैसे तो नी हुसैन बहुत समझदार है, इसलिए वो तुरंत इस बात की इन्फॉर्मेशन लान कुरैन, लान शी चैन और यहाँ तक कि लांग वांग जी तक भी पहुँचाने के लिए बोल देता है। वहीं लांग वांग जी एक मॉर्निंग कोर्ट में बिजी थे, इसलिए वो तुरंत तो नहीं आ सकते थे। लेकिन हाँ, वो मन में विंक ने इस तरीके से ऐसा कर दिया ये सुन के थोड़ा शॉक होता है। लेकिन वो अभी एकदम से भाई ऑब्वियसली कोई सामने तुम्हारे बैठा हो, अपनी दुख दर्द हमें तुम्हें बता रहा हो एज अ किंग, तुम्हें उसके लिए भी डिसीजन लेना होता है ना, तो वो भी इस तरीके से अभी वांग जी मॉर्निंग कोर्ट को छोड़ के तो नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, वो तुरंत अपने ब्रदर को और अपने अंकल को वहाँ से भेज देते हैं। अब एक बड़ा सा हॉल है, यानी ये लैंड फॉरेन के यानी जहांशी के पास एक हॉल है जहाँ अधिकतर लैंड फॉरेन अपने छोटे मोटे काम करती रहती है, यानी उसका ऑफिस एरिया। वहाँ पे ये सब लोग खड़े हुए हैं, सामने नी हुसैन है और नी हुसैन के साइड में उसका हस्बैंड या ये कह दीजिए फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसुम लान शी चैन, लान कुरैन और कुछ सीनियर्स और मिंग्याओ है जो अपने मेट के सपोर्ट से चल के इस रूम के में आ रहा है। मिंग्याओ जैसे इस रूम में आता है तो तुरंत वो अब सारे सीनियर्स के सामने रोना शुरू कर देता है। आप सब के सामने मैं यहाँ पे अपनी दर्द को, अपने पेन को शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए किस तरह से उस वी वुशान ने मुझ पर अटैक किया, उसने मुझे कितनी बुरी तरह से घायल कर दिया, मुझे सही से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, और ऊपर से जिस तरीके से उसने मुझे पीटा, मेरे को बहुत ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम हुई है, फ्यूचर में हो सकता है मुझे बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो। इस तरीके से अब मिंग्याओ इतना बड़ा इंजाम विंग पे लगा रहा है। वैसे विंग ने जो मिंग्याओ को लात मारी है उसके हड्डी पसली तो हिली है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि वो तभी मतलब मानी बन पाएगा। लेकिन अब वो अब इससे पहले और विंग के बारे में कुछ बोल पाता, एकदम से विंग रूम में एंट्री करता है। विंग पूरे स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ, अपनी दमदार पर्सनैलिटी के साथ इस रूम में एंट्री कर रहा है, जहाँ एक तरफ उसके सोंगलैन है और दूसरी तरफ उसकी अभी पर्सनल सर्वेंट हायर हुआ हुआ शाओ शिनशन है। इन दोनों के साथ विंग बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में वहाँ पे एंट्री करता है और एकदम से पीछे से बोलता है, कौन से हीलर ने तुम्हें ये देख के बता दिया कि कभी तुम कंसीव नहीं कर पाओगे या मेरे लात मारने से तुम्हारे को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी? एकदम से या ये आवाज़ सुन के आज मिंग्याओ थोड़ा विंग से घबराता है और पीछे मुड़ के देखता है। वहीं लैंड फॉरेन जिस तरह से विंग के एंट्री से और सवाल से मिंग्याओ घबराया है वो देखकर मन में बहुत खुश होता है। नी हुसैन को विंग का ये स्ट्रांग ऑरा और विंग का मतलब इस तरह मिंग्याओ को पीटना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वो क्या करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंधा हुआ है और ये सीनियर्स उसको जबरदस्ती यहाँ पे लेके आ गए।
अब एकदम से एक सीनियर बीच में आता है और बोलता है, तुम इस तरीके से उसे हमारे सामने धमका नहीं सकते। तुम अपने आप को क्या समझते हो विभीषण? तुम ऐसे किसी कॉन्क्यूपाइन पे हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम्हारे को अच्छे से पता है कि कॉन्क्यूपाइंस को अपने लिमिट में रहना चाहिए, और इसके बावजूद तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। ये कितनी बड़ा तुम अनादर कर रहे हो हमारे क्लाइंट का। इस बात पे अविंग स्माइल करता हुआ उस सीनियर की तरफ देखता है और बोलता है, माफ कीजिएगा सीनियर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आप उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन इतनी छोटी गलती बार बार क्यों कर रहे हैं? आप शायद भूल गए, मैं सिर्फ कॉन्क्यूपाइन नहीं हूँ, मैं रॉयल ओमेगा हूँ। मैं किंग का मेट हूँ, तो उस हिसाब से मैं एक कॉन्क्यूपाइन को पनिश भी कर सकता हूँ। हाँ, तुम किंग के मेट हो, लेकिन अभी तक तुम कोई रॉयल ओमेगा नहीं बने हो। तुम्हारे को रॉयल ओमेगा सिर्फ कुछ लोग मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन अभी तक तुम्हें नहीं मिली है। इस बात को भूलो मत विभूषण, एकदम से एक और सीनियर बोलता है। वहीं विंग अब उस सीनियर को घूर घूर के देखने लगता है। वहीं एकदम से अब हमारे लैंड फॉरेन यानी न्यू सैन सिचुएशन को संभालते हुए और थोड़ा सा सिचुएशन कम करते हुए बोलते हैं, विभूषण आप इस तरीके से क्यों कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ के कमरे में गए थे और उनपे इस तरह से आपने अटैक किया था? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। अचानक से न्यू सैन विंग को थोड़ा शांत करते हुए और सिचुएशन को संभालते हुए बोलता है। वहीं विंग अब न्यू सैन की तरफ देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मैं इस तरीके से किसी और के कमरे में जाकर उसे पनिश नहीं कर सकता, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको एक बार मिंग्याओ से पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था कि मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया? ऐसा क्या कारण था कि मुझे ये सब करना पड़ा? अब विंग घूर घूर के मिंग्याओ को देखते हुए बोलता है। वही मिंग्याओ अपने आप को थोड़ा काम करते हुए अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मुझे क्या पता तुम्हारा मन, तुम मेरे कमरे में घुस गए, मुझे जबरदस्ती अपने आप को बो करने पे मजबूर कर रहे थे, और जब मैंने नहीं सुना तो मुझे पीटने लगे। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो अपने कमरे में आराम से था, तुम आए हो तो तुम मुझसे सवाल कैसे पूछ रहे हो? अब मिंग्याओ थोड़े घमंड में बोलता है। वहीं मिंग्याओ के कुछ बोलते ही जैसे बाकी सारे इन बूढ़ों के अंदर चाबी भर गई हो, ये बार बार फुदक फुदक के फिर से आगे आते हैं। जैसे अब फिर से एक और लाइन सीनियर आ गया और बोलना शुरू करता है, विभूषण तुमने इतनी बड़ी गलती करी, तुमने आज इस तरीके से किसी कॉन्क्यूपाइन के कमरे में जाके उसे मारा पीटा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, तुम्हें अभी इसी वक्त घोड़े पड़ने चाहिए। प्लान फॉरन अभी इसे सजा दीजिए, इसे वुडन लैशेस मारने की सजा दीजिए। शांत हो जाइए सीनियर। अब न्यूसेन उस सीनियर को शांत करते हुए बोलता है, आप अच्छे से जानते हैं लैंडलाइन रूल के हिसाब से एक प्रेग्नेंट ओमेगा को हम कोई फिजिकल हार्म करने वाली पनिशमेंट नहीं दे सकते। आप इस तरीके से मुझसे डिमांड नहीं कर सकते। मैं भी विभूषण को कभी भी वुडन लैशेस मारने की पनिशमेंट नहीं दूंगा। उसने गलती करी है, इसलिए मैं उसे अब 300 बार दोबारा से लैंड क्लैन रूल लिखने की पनिशमेंट देता हूँ, और मैं खुद इस चीज़ को देखूंगा कि वो रूल लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पनिशमेंट उनके लिए सही होगी। अब नी हुसैन विंग को रूल्स लिखने की पनिशमेंट देने की बात करता है। नी हुसैन अच्छे से जानता है कि रूल लिखने में कोई बड़ी बात नहीं होगी विंग के लिए, लेकिन विंग को और वो कोई पनिशमेंट देना नहीं चाहता, क्योंकि मन में तो बहुत खुश है कि विंग ने मिंग्याओ की पिटाई करी है, इसलिए वो थोड़ा सा शांत है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मिंग्याओ को घर कर जाती है। मिंग्याओ नहीं चाहता कि विंग इतनी ईजिली उसे पीट के बच जाए, इसलिए वो अब लैंड फॉरेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बोलते हैं, लैंड फॉरेन मैं अच्छे से जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, और उसका कारण भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब वो ये बात बोल रहे हैं तो एक तरीके से घूरते हुए लैंड शिचैन को देख रहे हैं। वही लैंड शिचैन भी अचानक से मिंग्याओ की इस बात पे उसे गुस्से में देख रहे हैं। लैंड शिचैन के चेहरे पे गुस्सा ज़्यादा देखकर बहता नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि उनको इस तरीके से बीच में ला रहा है मिंग्याओ। वही मिंग्याओ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, आप मुझसे पर्सनली चिढ़ते हैं, मुझे कभी पसंद नहीं करते, इसी कारण आप जानबूझ के विभूषण को इतनी आसान पनिशमेंट देकर छोड़ देना चाहते हैं। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, आप खुद देख सकते हैं मेरी क्या हालत है, मुझे एक कान से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी पूरी बॉडी पे मार्क है, मेरे फेस की हालत देखिए। आपको लगता है इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बाद सिर्फ रूल्स लिख करने की पनिशमेंट से आप विभूषण को छोड़ सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है, वे एकदम से मिंग्याओ गुस्से में बोल रहे हैं।
वहीं अब बाकी सीनियर्स भी इनमें एकदम से मिंग्याओ के सपोर्ट में बोलना शुरू कर देते हैं। सही कह रहा है कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आपको नहीं लगता ये बहुत आसान पनिशमेंट है? इतनी बड़ी गलती के बाद इतनी आसान पनिशमेंट सही नहीं है। अभी के अभी आपको कोई और पनिशमेंट देनी पड़ेगी, हम आपकी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सारे सीनियर अब एकदम से लैनफॉरन यानी हमारे नी हुसैन पे चढ़ रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो विंग को कोई और पनिशमेंट दे। अब लैनफॉरन बीच में बोलते हैं, लेकिन विंग को कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, इसलिए हम विंग को कोई और पनिशमेंट देने के बारे में सोचेंगे, पर हम विंग को कोई वुडन लैशेस नहीं मानेंगे। अब लैनफॉरन भी विंग के सपोर्ट में आ गए हैं। ये देख के अब मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे अच्छे से पता है कि लैनफॉरन, लैन शिचेन, नी हुसैन, नी मिंजे और लांग वांग जी उसे पसंद नहीं करते, पर लैनफॉरन तो उसे काफ़ी पसंद करते थे। पर आज लैनफॉरन विंग का सपोर्ट करें, इसलिए अब वो ये बात देखते हुए जान पूछ के नाटक में जोर से फ्लोर पे गिर जाता है और जोर से अपने पेट को पकड़ के चीखने लगता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है करके, जिससे सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। वहीं विंग भी वहाँ एकदम से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई तुम्हारे सामने धड़ाम करके गिर जाए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो तुम भी सोचोगे पता नहीं क्या हो गया अचानक से। वहीं अब उसकी ये हालत देखे हीलर को दोबारा बुलाया जाता है। वहीं हीलर यही बोलता है कि शायद उन्होंने काफ़ी पावर से लात मारी है, मतलब किक किया है, इसी कारण उनके पेट में ज़्यादा घाव है, अंदर से अंदरूनी चोट लग गई है शायद। वहीं इस बात पे अब नी हुसैन की जो अभी सोच रहा था कि वो विंग को फ्री कर देगा, वो भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि हीलर ने सचमुच में मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा चोट लगी है ये बोल दिया है, शायद अब विंग को वो भी सेफ नहीं कर पाएगा। वहीं अब एक सीनियर गुस्से में बोलना शुरू करता है, देखा ये इंसान कितना ज़्यादा बेकार है, इसने किस तरीके से मिंग्याओ को हार्म किया है, हम इसे अगर छोड़ देंगे तो हम क्या एग्जांपल सेट करेंगे बाकी कॉन्क्यूपाइन के लिए, कोई और कॉन्क्यूपाइन भी कल ऐसे ही एक दूसरे से लड़ने लगेंगी, इसलिए हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, इसे कैदी बना दो, इसे अभी के अभी प्रिजन में डाल दो ताकि इसे अकल आए, और जब ये प्रिजन में होगा तो बाकी कॉन्क्यूपाइंस भी ऐसे करने से डरेंगी, अचानक से सारे सीनियर कहने लगते हैं। वहीं अब लैनफॉरन यानी हमारा नी हुसैन भी घबराया हुआ इधर उधर देख रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। वहीं सारे सीनियर्स अब सब एक साथ एक ही आवाज़ में बोले, लैनफॉरन ये आदेश दीजिए, इसे प्रिजन में डालने का आदेश दीजिए, अभी गार्ड को बुला के इसे अभी के अभी उस प्रिजन में डाल दीजिए, नहीं तो इसे कहीं और नज़र बंद कर दीजिए, इसे इस तरीके से खुलेआम घूमने के और लोगों से मिलने के लिए बंद कीजिए। सब लोग एक साथ जैसे एक आई की आवाज़ ने अब मतलब नी हुसैन को फोर्सफुली ये एक तरह से ऑर्डर देने के लिए कह रहे हैं। वहीं लैन शिचेन के चेहरे पे भी एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है कि ये सारे सीनियर ऐसे कैसे कर रहे हैं। वहीं कुरैन भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन कुछ हाथ से बाहर हो रही है। इससे पहले कोई कुछ बोलता या फिर नी हुसैन ये ऑर्डर देता, पीछे से एक आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है, जिसे सबके ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ अब किंग एंट्री कर रहे हैं। किंग नी मिंजे के साथ इस जगह एंट्री कर रहे हैं। किंग और नी मिंजे अब एक साथ वहाँ आके खड़े होते हैं। जैसे ही किंग वहाँ आते हैं तो सब लोग उन्हें 90 डिग्री बो करते हैं, और उसके बाद अब वांग जी जहाँ पे पहले लैनफॉरन खड़े थे अब उस एरिया में जाके खड़े हो जाते हैं, और बाकी सब लोग इधर उधर खड़े हो गए हैं। अब वांग जी अपनी स्ट्रांग आवाज़ से बोलते हैं, विभूषण को प्रिजन में डालने का क्यों ऑर्डर देने की बात हो रही है यहाँ पे? विंग के लिए वांग जी की ये पॉजिटिवनेस साफ साफ महसूस की जा सकती है, उसके फेरोमोन्स ये साफ महसूस करवा रहे हैं कि वो कितना गुस्सा हो गया, वो इस बात से कितना नाराज़ है, ये चीज़ यहाँ खड़े सब लोग जब महसूस करते हैं। तो एक सीने अपना सर झुका के तुरंत बोलना शुरू कर देता है, माफ़ कीजिएगा किंग, हम ये सब आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने रूल्स के लिए कर रहे हैं, और सही से सब कुछ मैनेज हो इसी लिए कर रहे हैं। इस विभूषण ने आज कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ के कमरे में जाकर उन्हें मारा है, और जिसके कारण उनकी बहुत बुरी हालत है, आप खुद देख सकते हैं। ये कहते हुए सीनियर मिंग्याओ की तरफ इशारा करता है, जो अभी भी फ्लोर पे नीचे बैठा हुआ है और उसकी मेट उसे संभाल के बैठी हुई है उसके साइड में। विंग आप गुस्से में उस सीनियर को देखते हैं। वहीं वांग जी
अब क्या भी गुस्सा उस सीनियर को महसूस कर रहा है महिमिंग जो, जब देखता है कि किस तरीके से विंग के सपोर्ट में अब किंग आ गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और अब वो और ज़ोर से आवाज़ें निकालते हुए थोड़ा सा पेन में इशारे ऐसे कि जैसे उसे कितना पेन हो रहा है खड़े होने में, अब अपने उस सर्वेंट की हेल्प से खड़ा होता है और सर झुका के बोलता है, किंग मैं आपकी कॉन्क्यूपाइन हूँ। जब वो हेयर पिन मैंने अपने बालों में लगाई थी तब से आप मेरी सेफ्टी और मेरी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं। आज मेरे साथ गलत हुआ है तो आप मुझे इंसाफ दिलवाइए। आप मेरे किंग हैं तो आपको मेरे लिए इंसाफ देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मिंग्याओ अपने कॉन्क्यूपाइन होने की पावर वांगजी को फील करवा रहे हैं। हाँ, यहाँ जो भी कॉन्क्यूपाइन है उनकी सेफ्टी, उनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैन क्लैन और वांगजी के ऊपर ही है एज अ किंग। लेकिन वांगजी शायद कभी भी ये नहीं चाहता था, लेकिन अगर उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो सचमुच में उसे फैसला भी लेना पड़ेगा। हम मिंग्याओ की तरफ देखते हुए वांगजी विंग की तरफ देखता है और सिर्फ इतना बोलता है, विभूषण तुमने इस तरीके से क्या सचमुच में मिंग्याओ को पे हाथ उठाया? इसे विंग बिना कुछ झूठ बोले अपना सर हाँ में नोट करता है। विंग कुछ नहीं बोल रहा है, बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। आज विंग के दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन वो अभी शांत है। ये देख के सॉन्गलैंड डर रहा है क्योंकि जब भी विंग शांत होता है तो बाद में और ज़्यादा भयंकर रूप लेता है। अभी वो बिल्कुल शांत है, एक शब्द भी नहीं बोला इस बीच में, तो कहीं ना कहीं जब वो बोलेगा तो कुछ बड़ा ही बोलेगा। यही सोच के अब बेचारा सॉन्गलैंड पीछे से घबरा रहे हैं। वहीं विंग के हाँ करते ही वांगजी के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि सचमुच में विंग ने ये किया है तो उसे विंग को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। वहीं सब लोग अब वांगजी की तरफ देख रहे हैं। किंग की हैसियत से उसे आज विंग को पनिश करना है, इसलिए सब देखना चाहते हैं कि वो क्या पनिशमेंट देगा। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।